हेलो भाई, मैं अरुण पवार। भाई ये सीजन चल रहा है भाई गाड़ियों की डिलीवरी का, चाहे मैं थार रोज लेके आ रहा हूँ, चाहे मारुति की फ्रॉन्क्स ली हमने। हमारे एक अजीज मित्र और है भाई, जो आज मारुति नेक्सा, स्पेशली नेक्सा ही ज्यादा बिकता है भाई आजकल, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीमियम ने उसके साथ जुड़ जाता है। तो भाई फिर आज कौन सी गाड़ी की डिलीवरी में चल दिया मैं, चलो आज आपको मैं चल के दिखाता ही हूँ। है नेक्सा की ये, अभी आप समझ लो, लेकिन बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत ज्यादा बिकती है। मतलब मारुति का बहुत अच्छा डिसीजन था उस गाड़ी को लॉन्च करने का, ये समझ लो बस आप। इस गाड़ी की टक्कर की है भाई, और मारुति की रीसेल कितनी तगड़ी है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि क्यों भाई रोड पे 10 में से 8 गाड़ियां मारुति की चलती हैं। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं पलवल, और भाई गाड़ी कौन ले रहा है हमारे भाई साहब? दीपक। अच्छा, आप ले रहे हो क्या? भाई दीपक भाई और ये हमारे निशांत भाई। हाँ, वो सेल आउट कर दी ना वो वाली, वो जिसमें वो किचन वगैरह का सेटअप था, इसमें भी है, और वो क्लासिक थी ना भाई के पास, वो भी सेल कर दी भाई। मैं देख रहा था वीडियो, थाने में खड़ी है जिसमें भाई हम एक बार, अगर आपको ध्यान हो, ऋषिकेश गए थे ट्रिप पे, और मैंने भाई गाड़ी बहुत बुरी फंसा दी थी। वो वाली गाड़ी भाई थाने में खड़ी है, वो गाड़ी। तो आज भाई ले रहे हैं भाई यहाँ पलवल से नेक्सा से कोई स्पेशल गाड़ी ले रहे हैं, उसका पर्पज क्या है? पर्पज यही है यार, मैं वैगनार चला रहा था यार। अब क्या है ना, वैगनार से मैं जाता था मानेसर, मैं निकलता था अंधेरे में, सुबह अंधेरे में निकलता था, रात को अंधेरे में आता था। अब मेरी कंपनी होगी पिथले में, अब मैं निकलता हूँ दिन में, तो मेरे को शर्म आती है यार उसको जाने में वैगनार को। जॉब चेंज कर दी, जॉब चेंज हो गई है। और दूसरा क्या है कि उस कंपनी में मेरी गाड़ी पार्किंग बाहर थी कंपनी के, इसमें अंदर है, तो अंदर ले जाता हूँ, गार्ड वार्ड सलूट करते तो मेरे को शर्म आ जाती है यार वैगनार में। भैया बड़ी बड़ी पोस्ट वाले बंदे हैं ना, मैकेनिकल इंजीनियर से, और वो माइलेज बहुत तगड़ी देती थी ना। माइलेज तो बहुत बढ़िया है भाई, भाई साहब इतने गुणगान क्या करते थे, 38 की माइलेज देती है, और उन भाई 40 की देती है, और हम कहते कहते मर गए भाई। एक रिव्यू करेंगे उसका, रिव्यू करेंगे वैगनार का। भाई ने वैगनार तो अभी है, ब्रेजा दी है अभी इसने। और हाँ, वो मैं बता रहा था ना भाई, इतनी तगड़ी रीसेल मिली है ना, मतलब इनको भाई डील बहुत तगड़ी मिली है। मैं दिखाता हूँ आपको, उसमें लिखा हुआ है भाई प्रॉपर 6,10,000 की गई है मेरी, 6 साल पुरानी ब्रेजा डीजल। कौन सी वीडीआई थी? एलडीआई। वीडीआई थी। कितने की ली थी वो? 9 लाख की ली थी मैंने। लो भाई ये होती, इसलिए लोग मारुति लेते हैं, और मेरे ख्याल से दोबारा इसीलिए आप मारुति ले रहे हो। मैं मारुति पसंद करता हूँ इसीलिए, क्योंकि और मैं बताऊँ, मेरी मैंने वैगनार ली थी 5,70,000 की, और जो अब जा रही है 5,10,000 में, 3 साल चलाने के बाद, 4 साल। भाई आप लकी हो बहुत, क्योंकि आपकी गाड़ी पर लकी नंबर है ना बहुत ज्यादा। तो कोई नहीं भाई, अब उसके एक्सचेंज में कौन सी गाड़ी भाइयों ने पिक करी है ना डीजल चलाने के बाद, जो ब्रेजा चला ले। एसयूवी पे जा रहा है सीधा, एसयूवी से। हाँ, मिड साइज एसयूवी होगी फिर तो भाई पक्का। अगर 13-14 लाख रुपए का भाइयों का बजट है तो चलो दिखाते हैं भाई पर्दा उगार के, कौन सी है कौन सी नहीं। ये खड़ी हुई देखो, ये बात काले रंग की खड़ी हुई, भाई भाई साहब को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये ग्रैंड विटारा भाई डेल्टा वेरिएंट है, ये आप इसकी हेडलाइट वगैरह से समझ ही सकते हो, प्रोजेक्टर वगैरह इसके अंदर आ चुका है, और इसके अंदर पूरा एलईडी वगैरह सेटअप आता है। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई साहब। भाई थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो अपनी थार रॉक्स के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए क्या है ना, ये ऑन कैमरा प्राइस रिवील नहीं करते, पर मैं बता रहा हूँ इनसे बेस्ट डील मैंने कम से कम 10-12 जगह पता किया था। दिल्ली तक चला गया था मैं, दिल्ली फैदाबाद गुड़गांव सब जगह, और मैंने इनको ना, मेरे को खुद जोर पड़ रहा था कि भाई इतना कम रेट कैसे बोलूं इनको। मैंने बोला भाई 13.5 की मिल रही है, इन्होंने बोला भाई 10,000 कम दे देंगे इससे भी, मतलब कुछ भी रेट बोल दो। फिर मैं सोचा फिर मैंने सोचा 13.40 क्यों ना बोले मैंने यार। तो भाई 13.40 आप कह रहे हो, तो 13.40 में भाई फिर कौन सा वेरिएंट लिया आपने? ये डेल्टा सीएनजी वेरिएंट है, डेल्टा सिग्मा से ऊपर जो आता है, इसमें भाई सिग्मा आपका डेल्टा जीटा और अल्फा करके वेरिएंट्स आते हैं। तो ये डेल्टा क्यों पिक करा, ज्यादातर लोग हम देखते सिग्मा की तरफ ही जाते हैं। सिग्मा एक्चुअली क्या है ना, सिग्मा में सीएनजी नहीं आती। अच्छा, वो पेट्रोल में आती है, ये डेल्टा से शुरू होती है, डेल्टा जीटा तक। अच्छा, फ्रॉन्क्स ही है वो, जिसमें वो बेस मॉडल से दे रहे हैं, बलिनो में भी वो डेल्टा से ही देते हैं। हाँ वही है भाई। सीएनजी की क्या रिक्वायरमेंट थी एक बार ये बता दो। सीएनजी की रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है ना भाई, मेरे को रनिंग थोड़ी मेरी ज्यादा है, डेली की 100 किलोमीटर के आसपास रनिंग है, तो इसलिए मैंने सोचा यार सीएनजी ही लेंगे, पेट्रोल में तो फिर कॉस्ट ज्यादा पड़ जाती है। तो भाई आपको ऐसे फील नहीं आएगा कि ये वाले डोर हैंडल तो बिल्कुल ही ब्रेजा वाले लगा रखे? ब्रेजा इसमें वो आ गया, रिक्वेस्ट सेंसर है ये, तो भाई मैं लग रहा है भाई मारुति भी पूरा लग्जरी फील में ले जाना चाह रही है। ये आ गया, इसमें स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये तो बेस से ही आ रहा है स्टार्ट स्टॉप बटन तो। और डेल्टा में फायदा हो जाता है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, फिर करोल बाग वगैरह भटकने की ना, यहाँ पे स्टीरियो वगैरह, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी चलो बेस से आता है, स्टेरिंग कंट्रोल ऐड हो गए हैं इसके अंदर। डेल्टा में दो तीन फीचर ही है वैसे, दो तीन फीचर पर ठीक है। जब मैंने भाई मेरे पास वैगनार दी तो
मेरे को तो बहुत सही लग रहे हैं फीचर भाई। वैगनार से सीधा ग्रैंड विटारा में जाना भाई बहुत बड़ी बात है भाई। इसके अंदर मेन जो चीज आती है ना ये है सीएनजी सिलेंडर, इसका इसके अंदर आपको बूट स्पेस भी मिल जाता है। देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म कर दिया हो। यहाँ पर मारुति ने ग्रैंड विटारा में ये वाली चीज अच्छी कर रखी है, ये सीएनजी वाला ये वाला सिस्टम है। तो कितने की पड़ी ऑनरोड बिल्कुल? ये 13,43,000 की। और इसमें कुछ एक्सेसरी भी आपने लगवाई है जैसे अलॉय व्हील वगैरह? अलॉय थोड़ी आते हैं इसके अंदर। ये लगवाया मतलब ये छोटे गार्निश के आइटम लगवाए, अलॉय व्हील लगवाए हैं। तो क्या कंपलसरी करे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं था। मतलब हमें जो चीज अच्छी लगी इसमें भी 10% लगा के 13,43,000 बता रहे हो आप? नहीं एक्सेसरीज अलग से 60,000 की। एलो व्हील बढ़ गए 45,000 के, 15,000 की बाकी छोटी मोटी। एलो व्हील कितने के? 45 के। अच्छा 45,000 के। हाँ। वो बस वो स्टील रिम निकाल दिए होंगे। अब सही है, मतलब आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। हाँ। भी और दूसरा ना एलो व्हील चेंज करवाने का ये भी रीजन है कि हमने वो इंश्योरेंस में इंक्लूड करवा दिया, इसीलिए कंपनी से इंश्योरेंस में इंक्लूड करा दिया। अच्छा तीस हजार के बढ़ते हैं बाहर, वो हमने इंश्योरेंस में इंक्लूड करा दिया इसलिए हमने यहीं से लिया कंपनी से। तो जीटा में ही चले जाते फिर? तो जीटा 17,00,000 की है, 4,00,000 का डिफरेंस है। हाँ सीएनजी में। हाँ क्या कर रहे हैं मारुति वाले, ये कम ही कर रहे हैं। ये ब्लैक कलर में नहीं दे रहे बस, टोयोटा में ब्लैक कलर भी देना चाहिए नेक्सा को। जो हाईलाइटेड वाले दे रहे हैं टोयोटा वाले ये नहीं दे रहे, टॉप मॉडल में देते हैं ब्लैक कलर, क्योंकि हमारी मोस्टली गाड़ी ब्लैक में रहती है। पहले स्कॉर्पियन भी ब्लैक में है, पहले थार भी ब्लैक में थी, तो हम ब्लैक की प्लानिंग थी, इसी चक्कर में ये लेना पड़ता है भाई। अच्छा विटारा के ऊपर ही क्यों गए हो एक बार? अगर रनिंग विटारा एक्चुअली गया ना, मेरे को मारुति बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है भाई, रिलायबल लगती है। ब्रेजा मैंने गाड़ी दी है, 6 साल चलाई है, एक पैसे का काम बाहर से नहीं कराना पड़ा मेरे को। और सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है और रीसेल वैल्यू बहुत बढ़िया है। रीसेल वैल्यू मैंने 9,00,000 की ली थी ब्रेजा और 6,10,000 में गई है 6 साल चलाने के बाद। ये डीलरशिप पे ही दिए क्या? हाँ इनको ही दिए भाई, ये सब करा रहे हैं यार सब। और डेल्टा भाई वही वाला वेरिएंट है कि सबसे ज़्यादा ऐसे पीस ऑफ माइंड जो इनको देगा ना आगे चल के। यहाँ पे इसमें सीएनजी और फ्यूल का स्विच करने का ऑप्शन देखो कंपनी वाले यहाँ पे दे देते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा, वायरलेस कार प्ले वगैरह आप चला पाओगे। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी दे दिया, यूएसबी पोर्ट भी दे दिया है। इस तरीके का कुछ मीटर आता है जहाँ पे आपको दोनों चीज़ पता चलती है भाई, सीएनजी भी कितनी है और वो है। सनग्लास होल्डर वगैरह थोड़ी बेसिक चीज़ें यहाँ पे मिस हो जाती हैं, बाकी यहाँ पे आपको ये वाला फ्रॉन्क्स वाला ही इंटीरियर थोड़ा सा देखने को मिलता है। ये ऐसा ग्लव बॉक्स वगैरह आएगा जहाँ पे आप बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रख पाओगे। नहीं इसके अंदर आर्मरेस्ट का भी फायदा हो जाता है भाई, ये भी आ जाता है। तो कोई वेटिंग वेटिंग भी थी क्या इसके ऊपर? नहीं नहीं नहीं, ये तो एंड टू एंड मिल रही है, कोई वेटिंग नहीं है। तो वैसे डिस्काउंट कितने का मिला है? मतलब डिस्काउंट मान के चले ना 1,25,000 के आसपास डिस्काउंट पड़ेगा भाई। ये ज़्यादा अच्छा फायदा है अभी फेस्टिव सीजन का राउंड लेने का ना, ये दिवाली का राउंड भाई ने लिया तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी डील मिल गई है भाई ग्रैंड विटारा डेल्टा के ऊपर। देखना DRL VRL सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, वेरी नाइस। थैंक यू भाई। क्या माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई से? वैगनार में तो 38 लेते थे। देखो वैगनार के अलग ले रहे हैं और इसकी 27 प्लस ही देगी। 27 दीपक 30 बता दिए। हां देगी, सीएनजी एवरेज देगी भाई। कंपनी वाले कम बता रहे हैं, कस्टमर ज्यादा। कमाल है भाई, नहीं ये निकाल लेंगे 3,000-2,000 आरपीएम, जान ही नहीं देते भाई बिल्कुल। भाई देखो गाड़ी 2000 आरपीएम से नीचे ही चलाओ, ऊपर मत चलाओ। वारंटी कितने की दे रहे हैं भाई इस गाड़ी के साथ? इस गाड़ी के साथ 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की जो मारुति खुद दे रही है। और एक्सटेंड में करवाते 6 साल की है ना? 6 साल की हो जाती है और वो 60,000 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। अच्छा जो ये ब्रेजा की आप इतनी देर से बता रहे हो, ये कितनी चला के कितने की बेची है भाई? 1,00,000 के बाद इतनी बढ़िया रीसेल है भाई। ये ग्रैंड विटारा बाहर आती हुई लिया भाई, फर्स्ट टाइम इन पलवल हरियाणा, रॉकिंग विद न्यू अलॉय व्हील्स। 17 इंच के व्हील आते हैं भाई इसके अंदर, बेस मॉडल से ही 17 इंच के टायर देती है। मतलब कुछ चीजों में तो भाई ठीक है, मतलब मारुति ना, वेरी नाइस भाई। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। ये क्रोम लगवा लेते तो मजा बैठ जाता। ये निशान ना मना कर रहा है क्रोम की, बाकी लगवा लेंगे जो आपने बोली है ना, जरूर लगवाएंगे। ठीक है चलो जी। और भाई डिस्क दे रखी है, पीछे भी डिस्क है। और ये ग्रैंड विटारा क्रेटा सेल्टोस हाई राइडर, इनके टक्कर की गाड़ी है। होंडा के एलिवेट वगैरह भी है लेकिन पलवल से वो भाई हो गई यहाँ पे बंद। भाई जो सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं उनमें कुछ भर के देते हो सीएनजी? सीएनजी फुल करके दी है। सीएनजी फुल करके देती हैं? पेट्रोल है तो पेट्रोल में 5 लीटर पेट्रोल डाल के देंगे, वही इतने का ही, 5 लीटर जितने का वो बनता है इतने में टैंक फुल हो जाता है। तो जी भाई बहुत बहुत बधाई हो भाई को, धन्यवाद आने के लिए। बाकी हमारी तरफ से पार्टी में पेंडिंग रहेगी है। भाई बिल्कुल पार्टी, तुम्हें ज़्यादा जल्दी जाने की फ्रॉन्क्स के लिए। यह सिखाते हैं, सीएनजी वाला स्टीकर लग रहा है इसके अंदर, उस हिसाब समझ जाना कि ये सीएनजी है। मतलब हमारे भाई साहब जो है थोड़े माइलेज ज़्यादा चाहते हैं, अफोर्डेबिलिटी अच्छी वाली चाहते हैं, 14,00,000 रुपये खर्च करने के बाद भी वो। हालांकि ये अगर फ्रॉन्क्स वगैरह लेते तो पेट्रोल में मतलब 7-8 की पड़ जाती वो, जैसे सेट लाइफ हो गई इसकी।
7-8 की पड़ जाती, 30,000 रुपये का नुकसान हो गया, लेकिन वो उसमें एक्सटेंडेड वारंटी नहीं है, तो ठीक है कहीं ना कहीं वही वाला रेट पड़ रहा है भाई। इसमें ना ये हेलोजन हेडलाइट्स आती हैं, ये बाहर से बदलवाने की जरूरत पड़ती है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली कैसी भी बात नहीं है। रेस लगा रहे हो या पेट्रोल लेके सियाना रहे हो? तो बायर को बहुत बहुत बधाई भाई न्यू कार के लिए, और ये अपने सेगमेंट की ऐसी गाड़ी है खुद इकली जिसमें सीएनजी आती है पेट्रोल में, ना तो सेल्टोस में आती, ना एलिवेट में आती, ना आपकी क्रेटा में आती, हाई राइडर में भी नहीं आती, तो इसमें आप ले सकते हो। तो जिसकी रनिंग बहुत ज्यादा है और किसी को ऐसे फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहिए हो भाई, ये बेस्ट है। उस टाइम पे डीजल इंजन हुआ करते ना मारुति के 1.3 जो फिएट वालों से उधार लेके काम चला रहे थे, ये जेम थे। इनकी रीसेल देख लो, उनकी परफॉर्मेंस देख लो, जब अगर ये डीजल होती तो कोई सीएनजी को पूछता नहीं मारुति वाली को। मारुति को भी ये पता था भाई 2019 में जब उन्होंने बंद किया ना अपना ये डीजल इंजन कि भाई थोड़ी दिक्कत तो आएगी, क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में जाने जाते थे और इनके डीजल इंजन 26-27 के कह के बेचते थे कि इतनी माइलेज दे देगी, और 20 प्लस तो देता ही था वो 1.3 लीटर का जो ब्रेजा में इंजन आया करता था, ब्रेजा वाले हमेशा सुख पाए हैं। तो भाई अब पेट्रोल में इतनी माइलेज देखो नहीं दे पाती ना परफॉर्मेंस उस लेवल की आती, तो इन्होंने फ्यूल एफिशिएंट वालों के लिए ये वाले ऑप्शन निकाल दिए। तो ग्रैंड विटारा कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन निकल के आ जाता है, अगर आपको मारुति वाले रिलायबिलिटी चाहिए और एक सीएनजी वाला ऑप्शन चाहिए तो ग्रैंड विटारा डेल्टा वेरियंट इज फॉर यू। कोई फालतू के नाम सना फीचर नहीं है, जरूरत के सारे फीचर है, आधी रात भी 10 साल बाद भी सेल मारोगे गाड़ी स्टार्ट होकर सारे फीचर काम करने लग जाएंगे, ये वाला पीस ऑफ माइंड आपको मारुति देती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।